सबसे बड़ा प्रूफ है जो बहुत पहले से ही हमारे पास है, शायद हम कहीं ना कहीं इसको भूल रहे हैं, जो भूलना नहीं चाहिए, वो ये है कि विकिपीडिया 9/1 को, 9/1 AM 14 जून को ये लिखा गया था कि वहाँ पे कमिटेड सुसाइड, पता नहीं कैसे लिखा था पर वहाँ पे चेंज हुआ था कमिटेड सुसाइड, ये आप सबको पता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो एक बड़ा प्रूफ है कि जब पिटा जब सिद्धार्थ पिटानिया उनके नौकर 12:30 को या 1 o'clock को डोर खोलते हैं और सबसे पहले उन्हीं को मालूम पड़ता है कि ये सुसाइड है और उन्होंने इस बॉडी को नीचे रखा है, तो फिर 9:30 को किसको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो सुसाइड हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये मर्डर बहुत पहले हो चुका है। ये बन बनाई कहानी है और इसके प्रूफ कई सारे हैं। उसके इंटरव्यू में जैसे वो बोल रहा है कि 5.8 उनका हाइट है, कोई भी बिलीव नहीं करेगा इस चीज़ को। वो जो भी वो हकला के बात किया है, रुक रुक के बात किया, तो उस चीज़ से मालूम पड़ता है कि बंदा झूठ बोल रहा है। ये सब थ्योरी है, कोई भी चाबी वाला घंटा कुछ नहीं हुआ था। तो ये 9/1 का जो मैं देखता हूँ, तो ये देख के तो ऐसे लगता है कि ये सब कुछ झूठ है। तो मेन चीज़ यहाँ पे कि विकिपीडिया में किसने चेंज किया, और चेंज हुआ है तो पहले से मालूम है किसी को कि कमिटेड सुसाइड हो चुका है। एक्चुअली बहुत बड़ा एविडेंस है हमारे पास, हम सबके पास। अभी भी विकिपीडिया पर जाओगे तो अभी भी आपको दिख जाएगा कि वो डेट 14 जून को जाके आप देख लो, तो अभी भी दिख जाएगा कि वो 9/1 को एक किसी ने चेंज किया, और उसके बाद कई बार चेंज हुआ है। हाइट का भी चेंजेस हुआ है उसमें, 183 का भी लिखा है, कभी लिखा है कि 178, तो हाइट का भी चेंजेस हुआ है। तो काफ़ी एविडेंस है यार, काफ़ी एविडेंस है। बस ये सब जो भी चीज़ें सीबीआई तक पहुंचनी चाहिए और पहुंचेगी, और फिर उसके बाद जाएगा सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद जस्टिस मिलेगा। पर मैं ये नहीं कह सकता कि सभी के सभी जो भी इसमें हैं इन्वॉल्व वो सभी के सभी मिल सकते हैं। ये लोग पक्का कोई ना कोई प्लान बनाएंगे, मेरे को जैसे लगता है कि ये क्या प्लान बना सकते हैं। मान लो 10 लोग हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, एक या दो, और वो जो अगर बड़े बात बड़े आदमी हैं, तो वो लोग मुझे नहीं लगता कि वो जेल जाएंगे या फिर फंसेंगे। वो लोग बोल देंगे 8 लोग को, तुम लोग जेल चले जाओ, वैसे भी बचने का तो इसमें कोई चांस नहीं है, एक्सेप्ट कर लो और जेल चले जाओ, और तुम्हारा हम जल्द से जल्द बेल करने का या फिर रिलीज करने का या फिर जितना हो सकता है उतना हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हम दो को छोड़ दो, तुम सब चले जाओ, नहीं तो सब फंसेंगे और निकलना सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। प्लान करके वो लोग कर सकते हैं, पर कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं चाहता हूँ कि सब के सब फंसे, जो भी इसमें